नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश। सिलसिला बाजारों का मैं चर्चा करेंगे एक बार फिर से कम्युनिटी बाजार के बारे में। आज शुक्रवार का दिन है, कम्युनिटी बाजार के कारोबारी सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन है। जानेंगे कि रूपा मेहता से कि आज कम्युनिटी बाजार में कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है और आने वाला कारोबारी सप्ताह कैसा देखने को मिलेगा। वहीं आज की बात करें तो आज देख रहे हैं कि कॉटन में हल्की सी मुनाफा वसूली बनी है 0.25% की। कल को हमने कॉटन को 46,600 तक ट्रेड करते देखा था और आज देख रहे हैं कि 46,190 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। कॉटन में कुल मिलाकर अभी भी देख रहे हैं कि तेज़ी का ही रुझान है। जानकारों के मुताबिक कॉटन में ऊपरी स्तर से करेक्शन एक्सपेक्टेड थी, लेकिन कॉटन में उसका विपरीत ट्रेड देखने को मिला। कॉटन में गिरावट की वजह यहाँ पर तेज़ी बनती नज़र आई। अब तेज़ी के क्या क्या फैक्टर्स हैं, तेजी ऊपरी स्तर से क्यों बनी, मुनाफा वसूली बननी चाहिए थी जबकि, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये थी कि कॉटन की जो अराइवल्स है मंडियों में अब वो थोड़ी कम हो गई है। दूसरा कि जो डिमांड है अच्छी खासी बनी हुई है। अक्टूबर कॉटन की जो सोइंग है ठीक ठाक चल रही है। इस बार सोइंग पहले भी वक्त से पहले ही शुरू कर दी गई है और मार्केट में ऐसी चर्चाएँ हो रही हैं कि इस बार कॉटन का जो रकबा है उसमें ज़ोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तेल तिलहन और कॉटन के जो रकबा है, कॉटन के रकबे में कंपटीशन देखने को मिल सकता है, एक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। क्योंकि तिलहन हो या फिर कॉटन हो, कपास हो, दोनों ही ऐसी फसल हैं जिनमें लगातार 2 साल से जो दाम है अच्छे खासे देखने को मिले हैं। तिलहन के मुकाबले कॉटन में जो दाम है वो 2 गुना देखने को मिले। 2021 में जो कॉटन 6,000-7,000 या मैक्सिमम 8,000 तक थी, अब वो इस समय मार्केट में मंडियों में 12,000-13,000 तक जाती नज़र आई। तो किसानों ने इस बार ठाना है कि कॉटन की जो बुआई है यानी कपास की जो बुआई है उसका रकबा बढ़ाएंगे, कपास की बुआई बाकी फसल के मुकाबले ज़्यादा करेंगे। तो हमें ये भी देखने को मिलेगा कि बाकी फसलों का जो रकबा है वो घटता नज़र आएगा और कॉटन का रकबा बढ़ता नज़र आएगा। अभी इसमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। अब जैसे जैसे बुआई होती रहेगी उत्पादन के आंकड़े आते रहेंगे, क्योंकि कॉटन का जो नया माल आएगा मंडियों में वो अक्टूबर नवंबर तक आ पाएगा। बाकी जब नए आंकड़े जारी होंगे वो भी आपके साथ साझा किए जाएंगे और तभी पूरी क्लियरिटी हो पाएगी कि कॉटन के अगर रकबे में वो बढ़ोतरी हुई है तो वो कितनी हुई है। दूसरा एक मॉनसून फैक्टर भी है जो काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि 2021 में कॉटन की जो फसल थी वो बेमौसम बरसात के चलते बहुत ही बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई थी। और फिर जब बारिश ख़त्म हुई थी, मौसम थोड़ा खुला था, फिर उसमें पिंक बॉल वॉर्म नामक कीट का प्रकोप देखने को मिला था, जिसकी वजह से कॉटन के जो फसल थी काफ़ी बर्बाद हुई थी, किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था। और यही कारण था कि सप्लाई कम होने के चलते, जो माल था वो कम होने के चलते प्राइसेस में उछाल आया था। तो इस बार पीछे की परिस्थितियों को देखते हुए, 2021 के दामों को देखते हुए किसानों ने मन बनाया है कि कॉटन के बुआई का रकबा ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन किसानों को ये भी चिंता है कि अगर बाई चांस रकबा ज़्यादा बढ़ गया तो कहीं इसके दाम ना गिर जाए। तो इस पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर बुआई का रकबा बढ़ भी जाता है तो कॉटन की जो प्राइजेज हैं उनमें गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि उल्टा तेज़ी ही देखने को मिलेगी। क्योंकि जो डिमांड है ग्लोबली, जो वैश्विक स्तर पर कॉटन की डिमांड है वो अच्छी खासी है। दूसरा, अभी चाइना की तरफ से खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि चाइना में जो कॉटन बेल्ट है ज़्यादातर राज्यों में चाइना में, वहाँ पर ड्राउट कंडीशन देखने को मिली है, यानी कि मौसम ख़राब मौसम देखने को मिला है, शुष्क मौसम है, सूखा मौसम है, जिसकी वजह से कॉटन का जो उत्पादन है वहाँ पर प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में चाइना, जो कि कॉटन का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और आयातक है, इम्पोर्टर है, वहाँ पर अगर ऐसी खबरें आती हैं और ऐसी स्थिति बनती है तो भारत के लिए एक प्लस पॉइंट होगा और भारत के किसानों के लिए भी, कि वो अपनी कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस ले पाएँ। जिस हिसाब से MCX पर अभी कॉटन ट्रेड करती नज़र आ रही है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक कॉटन अगर 46,000-47,000 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो आने वाले समय में 50,000 का भी लेवल दिखा सकती है। लेकिन अगर यहाँ से कॉटन 44,000-43,000 तक जाती है तो फिर कॉटन में यहाँ पे शार्प करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। ये अभी फंडामेंटल्स में थोड़ी उठापटक देखने को मिलती रहेगी कॉटन में, तो कॉटन पर अभी नज़रें बनाए रखें। बात करेंगे यहाँ से बाकी कम्युनिटीज़ की। शुरुआत करेंगे कैसर सीड से। तो कैसर सीड में हमने देखा था कि जो कैसर सीड के जो प्राइजेज हैं
NCDX पर 7200 के ऊपर सस्टेन है। फंडामेंटल्स तो ठीक ठाक हैं, लंबी अवधि में एक्सपर्ट्स कैस्टर में तेजी का ही रुझान बता रहे हैं। चाइना की तरफ से एक बार डिमांड आने की देरी है, जैसे ही चाइना लॉकडाउन से बाहर निकलेगा चाइना से कैस्टर ऑयल की डिमांड निकलेगी ज़रूर, जो कैस्टर के प्राइसेस को ऊपर में 8000 तक लेके जा सकती है। अभी हाल फिलहाल में कैस्टर का मई वायदा 7100-7200 की ऊपर, 7100-7200 की रेंज में है। आज 1.5% की करेक्शन है, लेकिन कैस्टर में फंडामेंटल्स मजबूत हैं, कुल मिलाकर तेजी का ही रुझान है। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं 2800 के ऊपर सस्टेन है। बिनौला खल में अभी यहाँ फंडामेंटल्स मजबूत है, लेकिन वायदा में इस बार बिनौला खल उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बिनौला खल में यहाँ से अभी जो तेजी है वो कभी, तेजी वाले जो लेवल्स हैं वो कभी भी टेस्ट होते नज़र आ सकते हैं, क्योंकि बिनौला खल के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। और जैसे कॉटन में तेजी आ रही है, उसका असर बिनौला खल की कीमतों को पड़ेगा, कीमतों पर पड़ेगा। बाकी सरसों खल हो गई, सोया खल हो गई, इनके अगर जब दाम तेज होंगे तो इस पर भी ज़रूर असर पड़ता नज़र आएगा। बात करें यहाँ से अगर अब मसालों की, तो मसालों में हमने करेक्शन आते हुए देखी है। धनिया 11100 पर है 3.5% की करेक्शन के साथ। जीरा 20700 पर है 0.5% की करेक्शन के साथ। और हल्दी 7900 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। हल्दी में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट बनती नज़र आ रही है, 0.25% की करेक्शन है हल्दी के अंदर। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया जी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मसालों में यहाँ पर ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली बन सकती है। वो हम पहले भी बनते हुए देख रहे हैं और अब भी बनते हुए देख चुके हैं। उनके मुताबिक जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने होंगे जब मसालों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। जीरा 24000, हल्दी लंबी अवधि में 12000 तक जा सकती है, हल्दी में पूरे साल तक वेट करना पड़ सकता है। और दूसरा जो धनिया है, धनिया 18000 तक की भी लेवल्स दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर मसालों में लंबी अवधि में तेजी का रुझान है। कुछ ऊपरी स्तर पर एक्सपोर्ट डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि अब जो माल ढुलाई का जो लागत है, जो शिप कंटेनर कॉस्ट आ रही है, फ्रेट चार्जेस हैं, ये सब ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि ईंधन की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो इसकी वजह से भी जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो कुछ कम देखने को मिली है। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल जो रुझान है मसालों में तेजी का ही रहेगा। ग्वार की बात की जाए तो ग्वार गम का मई वायदा देख रहे हैं 11500 के ऊपर है 0.25% की करेक्शन। ग्वार सीड का मई वायदा 5900 के ऊपर है 0.5% की करेक्शन के साथ। ग्वार गम ग्वार सीड में हल्की सी मुनाफा वसूली बनी है। आपको बता दें कि ग्वार गम ग्वार सीड में कुल मिलाकर तेजी का ही रुझान है। अगर निचले स्तर पर आपको ग्वार मिल रहा है तो वहाँ पर खरीदारी में रह सकते हैं। आने वाले समय में ग्वार और अच्छी शानदार तेजी दिखाता नजर आ सकता है, और ग्वार सीड भी। कुल मिलाकर जो फंडामेंटल्स है गवार गम और गवार सीड के, वो तेजी वाले ही हैं। बात करेंगे यहाँ से अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन पर हाल ही में सरकार ने GM सोया मील आयात करने का फैसला लिया है। बुवाई का सीज़न भी नज़दीक है, साल 2021 में भी ऐसी होता नज़र आया था। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसकी वजह से किसानों को मंडियों में दाम सोयाबीन के कुछ कम मिलेंगे, लेकिन इसमें किसान घबराए नहीं, स्टॉक करके चलें। किसान अपनी सोयाबीन का फिर से स्टॉक कर लें, जब मंडियों में आवकों की कमी होगी तो जो प्राइसेज हैं फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सिर्फ सोयाबीन ही नहीं है जो पोल्ट्री में इस्तेमाल होती है, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, तो उनके भी जो दाम है सोयाबीन के अनुपात से ज़्यादा ही बढ़े हुए हैं। अगर रेशियो देखा जाए तो सोयाबीन में तेज़ी कम है, बल्कि मक्का और जो गेहूँ के जो दाम हैं उनमें तेज़ी ज़्यादा आई है अगर परसेंटेज वाइज देखी जाए। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ सोयाबीन से ही पोल्ट्री उद्योग चलती है और जो पशु हैं सिर्फ सोयाबीन ही खाते हैं। मक्का का भी इस्तेमाल होता है, गेहूं का भी इस्तेमाल होता है, पशु चारे का भी इस्तेमाल होता है। सभी के दाम बढ़े हुए हैं, तो उन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ सोयाबीन पर ही जा रहा है। पिछली बार भी ऐसी हुआ था जब किसानों ने बुआई कर दी थी, सोयाबीन मील का आयात हो गया था, और इस बार भी ऐसी हो रहा है कि सीज़न नज़दीक है बुआई का और GM सोया मील का आयात हो रहा है, जबकि जो सरकार है GM उत्पाद की खेती की अनुमति नहीं दे रही है। तो सोपा का तो यही कहना है कि जब सरकार उत्पाद ही नहीं करने देती किसी भी प्रकार की GM फसल का, तो GM मील का आयात क्यों किया जा रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब किसान सोयाबीन की बुआई के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और बुआई का सीज़न नज़दीक है। कुल मिलाकर करेक्शन आएगी ज़रूर, लेकिन किसान स्टॉक करके चल सकते हैं। जो स्टॉक करने में सक्षम है, जो भंडारण कर सकते हैं सोयाबीन का, वो भंडारण कर ले, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। फिर जब आवकें कम हो जाएं तो धीरे धीरे रेट के हिसाब से अपनी सोयाबीन निकालते रहें, क्योंकि आगे तिलहन का जो
तेल तिलन की जो कीमतें हैं उनमें आगे बढ़ोतरी ही होगी, तेजी का ही रुझान है। सरसों में देख लिया कि बंबर उत्पादन के बावजूद सरसों की कीमतें अच्छी हैं, मूंगफली के दाम अच्छे चल रहे हैं, मूंगफली तेल के सीपीओ के दाम अच्छे खासे हैं, सूरजमुखी तेल के दाम अच्छे खासे हैं, सोयाबीन तेल महंगा हो चुका है, तो जो तिलहन फसल जो तिलहन है उसके भी दाम अच्छे खासे ही रहेंगे। बस थोड़ा स्टॉक कर लें, जब मंडियों में थोड़ा अभाव हो जाएगा तो जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को ज़रूर मिलेगी। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाज़ार का अपडेट कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाज़ार कैसा खुलता नज़र आ रहा है और उन पर एक्सपर्ट्स की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाज़ारों को हमें अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा। मार्केट एमसीवी पर।